नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप मेरे साथ फोटोग्राफी और फोटोशॉप के बारे में सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन पा सकते हो। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ पासपोर्ट साइज के फोटो के एक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप से पासपोर्ट फोटो कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक पासपोर्ट साइज का फोटो है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फोटोशॉप में फोटो ओपन करना है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड है जो प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, और पासपोर्ट के लिए जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो दोनों कान स्ट्रेट देखना चाहिए, सामने देखना चाहिए। उसके लिए 50% चेहरा और 50% बॉडी देखना चाहिए, और प्लेन बैकग्राउंड चाहिए कौन सा भी। लगभग तो व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया जाता है पासपोर्ट वीजा पैन कार्ड के लिए, लेकिन इतर इंडियन के लिए कौन सा भी पास यूज करते हो। तो चलो इसको क्विक टूल लिया मैंने, मैजिक टूल लेता हूँ। इसमें सिलेक्शन होता है, जो भी वन कलर है वो सिलेक्शन होता है। ज़्यादा पूरा सिलेक्शन नहीं हो गया तो इधर टोटल क्राइम पे 32 तो ऑटो सिलेक्ट रहता है, कंट्रोल डी डिसकनेक्ट होता है। और अगर आपका प्लेन बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट हो गया तो राइट क्लिक करके ग्लो करिए। ग्लो से क्या होगा, जितना भी जो प्लेन बैकग्राउंड है, एक कलर जो सिंगल कलर लिया है वो प्लेन बैकग्राउंड होता जाएगा। वापस ग्लो करता हूँ, वापस, और नहीं हो रहा है तो एम लिया मैंने और ये शिफ्ट दबा के हो गए। तो राइट क्लिक करके इसको फिदर देता हूँ 3 का, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला कलर सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है, और डिलीट। ओके, डिसकनेक्ट के लिए कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लेता हूँ, कंट्रोल एम करो, लेवल कंट्रोल एल, ओके, और एक फिल्टर देता हूँ जरा पोर्ट्रेट का, ये बेसिक हो गया। अभी क्रॉप टूल लेना है साइज लगाने के लिए, शॉर्टकट की है सी, विथ हाइट रेजोल्यूशन, एंटर दबाओगे तो सीधा विथ पे जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर सी एम, 4.5 सेंटीमीटर, और रेजोल्यूशन 300 रखना है। ओके, ये होता है पासपोर्ट साइज 35-45 सेंटीमीटर का। तो ये क्रॉप करता हूँ, ये हो गया 50% बॉडी और 50% चेहरा। तो इसको एंटर किया, क्रॉप हो गया। अभी फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल में ऊपर नाम आता है, जो नाम दे सकते हो इधर से, 8 पीपी 8 पीपी, या पासपोर्ट साइज जो नाम देना है वो नाम दीजिए। यहाँ पर विथ है, हाइट है, रेजोल्यूशन है, इधर पिक्सल में, तो इधर आप उनको इंचेस में साइज लेना है, 4x6 इंच, ठीक है। तो प्रीसेट, यहाँ पे साइज मैंने देकर रखी है, तो ये नहीं करना है, फोटो की साइज लेना है। और यहाँ पर साइज में ऑटो सिलेक्शन होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट साइज में 4x6 साइज लेना है, यहाँ ऑटोमेटिक 300 का रेजोल्यूशन आ जाता है। और इधर भी विथ पे 6, हाइट पे 4 इंचेस, ये साइज का होता है। ओके, तो ये मैक्सिमम करता हूँ। ओके, ये जो पीछे वाला फोटो है वो फोटो न्यू फाइल पे पेस्ट करना है, या इसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मूव करने से इधर उधर हिल जाता है, सही नहीं होता है। तो मैं आपको सीधा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है, ये क्लोज किया। ये जो फोटो है इसको कंट्रोल ए कीजिए, सिलेक्ट हो जाता है फोटो, ऑल जितना फोटो है उतना सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए,
कंट्रोल सी से फोटो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल एन न्यू फाइल का विंडो खुलती है, यहां से साइज ले सकते हो, लैंडस्केप 4x6, ओके, ये न्यू फाइल ओपन हो गई 4x6 की। यहां पर कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल एन, उसके बाद में कंट्रोल वी पेस्ट करना है। ओके, तो मूव टूल सेलेक्ट है, ये एकदम कोने में लिया, अल्टर दबाना है, इसका कॉपी हो जाता है। ठीक है, लेयर बॉल बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ, ये दो लेयर हो गए अभी, ये दोनों लेयर एक साथ मर्ज करना है, कंट्रोल दबा के नीचे का लेयर सिलेक्ट होकर राइट क्लिक करके मर्ज लेयर होता है। ठीक है, लेकिन मैं मर्ज लेयर ऐसे नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप इजी बताता हूँ मैं। ये अल्टर दबा के फोटो साइड में लिया, कॉपी किया और अल्टर दबा के और एक फोटो साइड में लिया, कॉपी कर दिया और अल्टर दबा के कॉपी कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर लेयर, सारे लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं, इसको कंट्रोल ई करो, कंट्रोल ई से मर्ज होता है, और वापस अल्टर दबा के वही फाइल नीचे लेना है, शिफ्ट दबा के, अल्टर दबा कर कॉपी होता है और शिफ्ट दबा के एकदम एक लेवल पे, जितना ऊपर की जो लेवल है वही लेवल पे नीचे आ जाता है, तो इधर उधर कुछ भी हिलता नहीं, शिफ्ट दबा के, अल्टर दबा के तो कॉपी होता है और शिफ्ट दबा के एकदम एक लेवल में आ जाता है, तो वापस कंट्रोल ई से मर्ज हो गए दोनों फाइल, एक दूसरे को चिप अटैच हो गए, बैकग्राउंड लेयर अलग है और ऊपर वाले लेयर अलग है। अभी मूव टूल सिलेक्ट है, ब्रैकेटिंग जो की होती है तो इसे साइड में थोड़ा सा इधर उधर लिया जाता है, तो नीचे लेता हूँ जरा। ठीक है, अभी इसको एक स्ट्रोक देना है, जो साइड में स्ट्रोक रहता है ना लाइन कट करने के लिए वो वाला, तो एडिट स्ट्रोक, यहां पर विथ वन कलर ब्लैक का लेना है, और इधर लोकेशन है इनसाइड सेंटर आउटसाइड, तो इनसाइड में देना है, अंदर से देना है। ठीक है, अंदर से देना है एक का स्ट्रोक, ताकि ये कॉर्नर एकदम कट टू कट लगता है। ओके, तो अभी फ्लैटन इमेज करना है, फ्लैटन इमेज। ओके, ये हो गए पासपोर्ट साइज के फोटो रेडी, तो इसको सीधा सेव कर सकते हो, फाइल सेव एज, फाइल नेम जो देना चाहते हो 8pp.1, फॉर्मेट जेपीजी रखना है, जेपीजी में फोटो प्रिंट होने के लायक होता है, सेव। ओके, अभी एक्शन भी कैसे किया जाता है, जो इधर जो काम किया अपने वही काम एक रिकॉर्डिंग किया जाता है एक्शन के रूप में, ताकि एक बटन दबाए तो ऑटोमेटिक फोटो बन जाते हैं, बराबर है। तो वो एक्शन बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है, देखते रहिए। तो उसके लिए स्टेप क्या है, ये अपना फोटो है नॉर्मल ले लिया है, तो विंडोज एक्शन का खोल लेते, ये एक्शन है। ठीक है, यहां पर जाना है न्यू एक्शन, न्यू सेट, पहले सेट करना है जो नाम देना है वो 8pp का एक्शन। ओके, एक ग्रुप तैयार हो जाता है, उसके अंदर एक्शन का नाम देने, तो अभी न्यू एक्शन, न्यू एक्शन पे भी आप इसमें ऊपर इधर जो 8pp का नाम दिया पहले सेट में, यहां पर तुम एक्शन नाम दे सकते हो,
या तुम्हारा जो भी एक्शन देना है वो नाम दे सकते हो। यहाँ पर जिसके बारे में जो एक्शन है, मैंने तो 8 PP का, 16 PP का, 55 PP का, 8x12 या स्क्रीन रिटचिंग का बहुत सारे एक्शन बना के रखा है। जैसे सॉफ्टवेयर बन जाता है अनुराग के जैसे, वैसे बना के रखा है। तो मैं इधर जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। और यहाँ पर फंक्शन की देना है, नॉन फंक्शन की है। यहाँ पर जो फंक्शन की देना चाहते हो, F2, F1, F3 जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। F3 का एक्शन दिया मैंने। शिफ्ट देना चाहते हो तो शिफ्ट में भी, अगर जो एक्शन दोगे वो एक्शन प्रेस करेंगे तो वो फोटो बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब एक्शन ठीक है, पहले करेक्शन करके लेना है, क्रॉप करके लेना है। ठीक है, अभी ये ऑलरेडी क्रॉप है। ओके, ये वाला ऑलरेडी क्रॉप है तो मैं इसको क्रॉप नहीं करने वाला हूँ अभी। पहले ये सब एक्शन के पहले काम करके रखना है, कलर करेक्शन, क्रॉपिंग, रिटचिंग जो करना है वो पहले करके लीजिए। सिर्फ इसको एक्शन कैसे करना है, शुरू से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, न्यू फाइल, फोटोज, लैंडस्केप 4x6, ओके, कंट्रोल वी, मूव टूल, अल्टर, कंट्रोल ई, मर्ज किया, एक दूसरे को ज्वाइन किया, अल्टर दबा के और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा साइड में लिया, वापस मर्ज करता हूँ, कंट्रोल ई, एक दूसरे को पूरे ज्वाइंट हो गए चार ही फोटो, अल्टर दबाया, नीचे लिया कॉपी करके, शिफ्ट दबाया एक साथ में, कंट्रोल ई, वापस मर्ज हो गए टोटल। और इसको एक स्ट्रोक देता हूँ, एडिट स्ट्रोक विथ वन ब्लैक कलर इनसाइड 100% क्वालिटी, ओके। अभी मूव टूल सेलेक्ट है, एरो की से इधर उधर लीजिए बीच में, ये हो गया एक्शन क्रिएट और स्टॉप करना है, ओके। और जो एक्शन आप सेव करना चाहते हो तो यहां सिलेक्ट करके कहीं पर उसको सेव कर सकते हो, सेव एक्शन, एक्शन फोल्डर में जाता है वो सी प्रोग्राम में, आप बाहर किसी भी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। और उसको लोड करना है, अगर आपको फोटोशॉप रिसेट कर दिया या अनइंस्टॉल हो गया है तो उसको डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में सेव हो जाता है वो एक्शन, यहाँ पर एक्शन में लोड हो जाती है ऑटोमेटिकली कौन सी भी एक्शन। तो एक्शन क्रिएट हो गई कि नहीं वो चेक कर लेते हैं अभी। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ एक्शन पे, एक्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं सेव कर, लेकिन मैं कर लेता हूँ। सेव किया, एक्शन सेव किया, फोटो नहीं सेव किया, फोटो इधर तक स्टॉप है, इधर तक जो प्रिंट देना है कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाती है साइज लगा के बराबर। तो अभी चेक करता हूँ एक्शन बराबर क्रिएट हो गए कि नहीं, कंट्रोल डब्ल्यू नो, कंट्रोल डब्ल्यू नो, ओके। अभी कुछ भी नहीं है, मैंने फाइल ओपन किया, ओपन में जाके ओपन समझो कि वापस एक फोटो, ये वाला फोटो ले लिया वापस, और इसको F3 में जो एक्शन दिया था मैं सिर्फ F3 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए सामने ऑटोमेटिक फोटो बन जाएगा। तो ये रहेगी आपकी पहले एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करना और शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी इजी काम में हो जाएगा।